मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। 5% से अधिक व कम संक्रमण दर वाले शहरों के लिए अलग अलग नियम होंगे। दुकानदारों के लिए नियम होगा कि वे खुद भी मास्क पहने और ग्राहकों को भी पहनने को कहें। बिना मास्क पहने ग्राहक को सामान देने पर दुकान सील कर दी जाएगी। गृह विभाग में अनलॉक में प्रतिबंध और छूट को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। ये नियम 1 जून से 15 जून तक प्रभावशील रहेंगे। 1 जून से प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। बाजार में ग्राहक और दुकानदार दोनों का मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। मंत्री समूह ने प्रस्ताव रखा है कि उन्हीं दुकानदारों को दुकानें खोलने की छूट दी जाए जिन्हें टीका लग चुका है। इस प्रस्ताव पर आपदा प्रबंधन समिति बाद में फैसला लेगी। सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार में 10 और विवाह में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सिनेमा घर, मॉल, स्विमिंग पूल, पिकनिक स्थल, थिएटर, ऑडिटोरियम, सभागृह नहीं खुलेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। प्रदेश भर में रात 10 से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा और शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा। धार्मिक और पूजा स्थलों पर एक समय में 4 से अधिक लोग उपस्थित नहीं रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। अनलॉक पढ़ाई जारी रहेगी। अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़ शेष कार्यालय 100% अधिकारियों व 50% कर्मियों के साथ संचालित हो सकेंगे। औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, स्वास्थ्य बीमा के कार्यालय सहित स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान खुले रहेंगे। मेडिकल, राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल सब्जियों, डेयरी, दूध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन चालू रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों से आवाजाही कोरोना गाइडलाइन के पालन की अनिवार्यता के साथ रहेगी। ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी तथा निजी 4 पहिया वाहनों में चालक व 2 यात्री मास्क पहनकर यात्रा कर सकेंगे। मोहल्लों, कॉलोनियों में दुकानें खुलेंगी। तो ऐसे अलग अलग जिले की परिस्थिति के हिसाब से देखो, कुछ चीजें तो तय है जो नहीं खुलेंगी, वो आप सब सहमत होंगे, वो खतरा हम नहीं ले सकते। राजनीतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, सामाजिक धार्मिक गतिविधियां, आयोजन, मेला, उत्सव, खेल, मनोरंजन, अभी इसकी इजाजत ये समय हमें नहीं देता। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह और विवाह के लिए भी आप तय करना। विवाह जून में होंगे, मैंने मई में वादा किया था, लेकिन विवाह होंगे केवल अत्यंत सीमित संख्या में। आप तय करेंगे 10 इधर के 10 उधर के, हम ज्यादा संख्या का खतरा मोल नहीं ले सकते। अंतिम संस्कार की संख्या तय करना है। यह समय ऐसा है कि ज्यादा लोग ना जाए, 10 लोगों में हो सकता है। मृत्यु भोज में ऐसे भी सामाजिक बुराई है, करना तो 10 लोगों में करेंगे। आपके पास गाइडलाइन भेजी जा रही है। उद्योग, औद्योगिक गतिविधियां, उद्योगों का कच्चा माल, तैयार माल, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, ये तो सब खुले ही हैं। राशन की दुकान, किराना दुकान, फल सब्जी, डेयरी, आटा चक्की, पशु आहार, आप लोग तय करिए। गाइडलाइन भेज रहा हूं मैं विस्तार से इस पर नहीं बोलूंगा। ये गाइडलाइन आपके पास आ रही है, उसके हिसाब से, जिले की परिस्थिति के हिसाब से जिला तय करेगा कि 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी और हम आर्थिक गतिविधियां चालू करेंगे और 1 तारीख से सवेरे से वो व्यवस्थाएं बन जाए। एक चीज पक्की है, बाकी अपने जिले के हिसाब से तय करना।
और वो ये है कि सैटरडे को, शनिवार को रात के 10 बजे से लेके सोमवार के सवेरे 6 बजे तक कर्फ्यू सब जगह लागू रहेगा। वो तो मिनिमम रखना ही है हमको, बाकी आप अपने हिसाब से फैसला करिएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।